हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। तो फिर दोस्तों, और आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कौन सा स्मार्ट वॉच आप लोगों को परचेस करना चाहिए। दोस्तों, कौन सा स्मार्ट वॉच यहाँ पे अच्छा होता है, क्या आपको यहाँ पे एक लो रेंज का या फिर एंट्री लेवल वॉच लेना चाहिए, मिड रेंज लेना चाहिए, या फिर यहाँ पे आप महंगे वॉचेस भी परचेस करना ठीक रहता है। तो फिर दोस्तों, मैं पूरा का पूरा डिटेल वीडियो यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों, बिल्कुल ही एंट्री लेवल प्राइस का वॉचेस से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग लेवल वाले वॉच में बात करता हूँ। सो यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो है T800 का स्मार्ट वॉच है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये जो है एप्पल वॉच है, यहाँ पे कॉपी किया गया है फुल्ली, पूरा बॉडी और UI सारा कुछ यहाँ से जो है कॉपी किया गया है, ठीक है दोस्तों। सो ये जो है कोई एक ऑर्डिनरी ब्रांड ही है, यहाँ पे कोई ऑफिशियल इनका वेबसाइट नहीं होता है, कुछ भी नहीं है, बस एक वॉच बनाते हैं और ये जो है चाइना मेड होते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द वॉचेस चाइना से ही लगभग सारे वॉचेस चाइना से ही यहाँ पे बनकर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों, मैं भी आपको बताने वाला हूँ कैसे कौन सा वॉच अच्छा है। सो सबसे पहले इस वॉच की अगर बात करते हैं, तो फिर आपको इसमें ब्राइटनेस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, जितना मैं एक्सपीरियंस किया हूँ। यहाँ पे ब्राइटनेस आपको फुल टू ऑन देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप जब सेटिंग पे जाओगे एंड यहाँ पे आपको ब्राइटनेस और भी ज़्यादा यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिर आपको दोस्तों यहाँ पे ब्राइटनेस से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट नहीं आने वाला है इस वाले वॉच से, ठीक है। और एंट्री लेवल वॉचेस में लगभग आपको नॉर्मल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं, वही यहाँ पे है। और ये जो है मेनली आपको जो है ब्रांड फायरबोल्ट और या फिर बोट के वॉचेस जो है आपको 1000 रुपये के अंदर नहीं मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। सो इसमें आपको देखने को मिलता है, आप यहाँ से वॉचेस फेसेस को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे म्यूज़िक का कंट्रोल दिया हो गया है, इसके साथ साथ दोस्तों इस वाले वॉचेस में भी यहाँ से म्यूज़िक का भी कंट्रोल दिया गया है, ये देख सकते हो। लेकिन दोस्तों, जो डिफरेंस है दोस्तों, ये जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे आप एक बार जो है इस वाले डिस्प्ले का क्वालिटी को देख लो और इसके देख लो, इसमें आपको एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि आपको फ़ोन्स में देखने को मिलता है, स्मार्टफोन्स में, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जो है नॉर्मल वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक सस्ता सा प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा पूरा ब्लैक, फाइन ब्लैक नहीं है, जबकि यहाँ से आपको पूरा का पूरा फाइन ब्लैक यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे इस वाले वॉचेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो फिर ये एंट्री लेवल परफॉर्मेंस दे देता है, लगभग फीचर्स आपको जितना भी नीडेड होता है नॉर्मली यही देता है, और टाइमिंग वगैरह देखने के लिए, शो ऑफ करने के लिए बेसिकली ये वॉच आप लोग यहाँ से इन वॉचेस को परचेस कर सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ पे आपका काम है यहाँ पे स्टेप यहाँ पे देखना, स्टेप चेक करना और हार्ट बीट चेक करना, तो फिर दोस्तों ये मैं एक डीप बात और ट्रूथ बात बता रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, बिल्कुल भी इन वॉचेस को परचेस नहीं करना। अगर आपको यहाँ पे वॉकिंग के लिए लेना है, हार्ट बीट चेक करने के लिए लेना है, इन सारे कामों के लिए आप अपने स्टेप्स को देखना चाहते हो, तो फिर ये दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं। हालांकि स्टेप या हो सकता है आपको ठीक ठाक दिखा दे, वरना आप यहाँ से एक्यूरेसी का तो बात निकाल ही दो दिमाग से, क्योंकि यहाँ पे जो है बिल्कुल भी, ये देख लो हार्ट रेट, मैंने अभी फोन वॉचेस को नहीं पहना है, लेकिन फिर भी ये जो है हार्ट रेट में मेरे यहाँ पे फंक्शन करके दिखा देगा। काफ़ी बार दोस्तों यही होता है, जो कि है ये काफ़ी ज़्यादा फेक हार्ट रेट दिखाते हैं, ये देख लो 82 दिखा दिया, VPM वगैरह, ये जो है बिल्कुल ही फेक होते हैं, बस दोस्तों शो ऑफ के लिए लिखा होता है। सो आप अगर इसका ये वाला स्टेप्स के लिए देखना चाहते हो, अगर आपका बजट काफ़ी ज़्यादा कम है और आप एक नॉर्मल वॉच सा यहाँ पे नॉर्मल सा वॉच के लिए जा रहे हो, तो फिर मैं आपको ये वाला वॉच रेकमेंड कर सकता हूँ, आप ये वाला वॉच खरीद सकते हो। अच्छा खासा फीचर है दोस्तों, लगभग 90% फीचर जो आपको फ्लेक्सिबल लेवल में या फिर मिड रेंज में जो मिलता है यहाँ पे, ये जो है मिल जाता है। सो फिर दोस्तों यहाँ पे जो है वॉच का कंक्लूजन ही यही है, अगर आपका बजट 1000 से कम है और आपको बस दोस्तों स्मार्ट वॉच ही खरीदना है, अच्छा खासा वॉच खरीदना है जो कि थोड़ा बहुत चला जाए, लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको हर 2 दिन में इसका जो है बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, वो भी आप अगर मॉडरेट यूज ही करते हो तो, अदरवाइज इसका बैटरी बैकअप ज़्यादा अच्छा नहीं है।
सो यहाँ पे प्राइस के हिसाब से अगर आप यहाँ से कोई भी ऐसा वॉच परचेस करने जाते हो लेकिन आपका जो है यहाँ पे स्मार्ट वॉच ही खरीदने का मन है, तो फिर आप दोस्तों ये वाले वॉच के तरफ जा सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, सो अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे इस वाले स्मार्ट वॉच की, जो कि ये मेरा यहाँ पे फास्ट ट्रैक्ट का वॉच है और ये दोस्तों मुझे 5.5-7.5 हज़ार रुपये का पड़ा था। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा क्वालिटी का वॉच आप बोल सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों एक बात, आप ये इसका जो स्ट्रैप इजीली चेंज कर सकते हो, जो कि इसमें जो है ये वाला नहीं है। मैं दोस्तों इतना पैसा यहाँ पे खर्च करता हूँ तो फिर कंपनी को यहाँ से इन सारे पुरानी चिन्नी हरकतों से बाज निकल के यहाँ पे जो है अच्छा खासा एक कम से कम देना चाहिए, क्योंकि ये जो है बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, अगर ये जो है स्ट्रैप वगैरह ना हो। हालांकि ये एक फैशन से रिलेटेड बना हुआ है, लेकिन ये जो है ज़्यादा फैशन पर फोकस नहीं है, ये जो है क्वालिटी पर फोकस है। दोस्तों डिस्प्ले की अगर मैं इसका बात करूं तो फिर आप यहाँ पे क्लियर डिफरेंस आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और प्रॉपर एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ से जो है दिया गया है दोस्तों। आपको यहाँ से डिस्प्ले का विजिबिलिटी को लेकर तो दोस्तों 1% भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस की वजह से। क्योंकि ये दोस्तों इस वाले वॉच का अगर आप डिस्प्ले देखते हो, अगर आप 5-6 हज़ार रुपये लगाते हो लेकिन आपको क्वालिटी जो देखने को मिलता है बिल्कुल ही स्मार्टफोन जैसे आप यूज़ करते हो ना, उसी क्वालिटी का आपको यहाँ से डिस्प्ले देखने को मिलता है। और दोस्तों जब आप यहाँ पे ज़्यादा पैसे खर्च करते हो और जब यहाँ पे आप मिड रेंज सीरीज के वॉचेस को यहाँ पे परचेस करना चाहते हो तो फिर दोस्तों आपको 2000 से ऊपर ही मैं सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे चीज़ों को ख़रीदने की। और दोस्तों मैं फिट प्रो या फिर फायर बोल्ट को यहाँ पे जो है इग्नोर करने को बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इग्नोर ही कर दो, अच्छा सा ब्रांड का लो। हालांकि ये भी अच्छा है लेकिन दोस्तों वो जो प्रमोटिंग कर देते हैं यहाँ पे क्रिकेटर्स का हो या फिर यहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स का हो, फेस जब आप उनका जो है ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फेस लगा होता है उनका, जो कि आप कभी भी रिमूव नहीं कर सकते हो, आई थिंक मेरा वहाँ पे नहीं हुआ था एक पुराने से वॉच में। तो फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अगर आपको स्मार्ट वॉच ही लेना है लेकिन आपको सारा का सारा फीचर्स चाहिए दोस्तों, सारा का सारा अगर आपको फीचर्स चाहिए तो फिर मैं सजेस्ट करता हूँ 3000 रुपये या फिर मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 2500 के ऊपर ही आप यहाँ से बजट रखना। ठीक है, अगर आपको एक फ्लेक्सिबल या फिर एक अच्छा खासा प्रोसेसर का वॉच चाहिए तो फिर आपको 3-4 हज़ार रुपये तो इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों मिड रेंजर का वॉच भी काफ़ी अच्छा होता है। सो यहाँ पे मिड रेंज या फिर फ्लैक्सिप लेवल के वॉचेस में आपको क्या यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सो सबसे पहले ये देख लो, यहाँ पे आपको फेस यहाँ पे जो है मिल जाते हैं, हालांकि सभी वॉचेस में ये जो है अवेलेबल होता है। एंड दोस्तों यहाँ पे आई थिंक इसका जो है दोस्तों सेटिंग से चेंज करना पड़ता है, खैर वो जो है कॉमन बात है। और यहाँ पे आपको फ़ोन देखने को मिलता है। एक और चीज़ दोस्तों इस वाले वॉच में जो है, जब आप यहाँ से पैसे दे के अपग्रेड भी करते हो ना, जब आप यहाँ से कॉल को रिसीव करते हो तो फिर आपको यहाँ पे स्पीकर देखने को मिलता है, ये देख सकते हो आप स्पीकर देखने को मिलता है। ठीक है, सो इसका बेनिफिट यही होता है क्योंकि आप जैसे फ़ोन में स्पीकर पे रख के बात कर सकते हो बिल्कुल ही, यहाँ से इनसे जो है रिंगटोन वगैरह भी बजता है, सारा कुछ होता है। तो फिर ये दोस्तों एक बेनिफिट होता है जब आप यहाँ से मिड रेंज वॉच और या फिर फ्लैगशिप लेवल के वॉचेस पे जब आप स्विच करते हो तो फिर ये काफ़ी एक अच्छा सा बेनिफिट होता है। और यहाँ पे फीचर्स के बारे में बात करूँ तो फिर आपको AI वॉइस देखने को मिलता है, कैमरा देखने को मिलता है और दोस्तों ब्रीथिंग वगैरह इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट दिखाता है। दोस्तों यहाँ पे इन वाले वॉचेस में मेरा बिल्कुल भी यहाँ पे कंप्लेंट नहीं होने वाला है ब्रीथिंग से रिलेटेड, क्योंकि इनका जो है काफ़ी अच्छा सा एक्यूरेट परफॉर्मेंस ये आपको देखने को मिलता है। आपको यहाँ से मैं एक बार से यहाँ से चेक करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों ये देख लो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जो ये एक्यूरेट है दोस्तों, ये बिल्कुल ही आपको एक्यूरेट देखने को मिलता है।
ठीक है, यहाँ से आपको जब मैं यहाँ पे निकालता हूँ, देख लो यहाँ पे जो है ऑफ हो गया है। तो फिर ये आपको अगर आपको स्टेप वाइज काउंट करना है और यहाँ पे ये सब जो है करना है, तो फिर मैं बिल्कुल ही रिकमेंड करता हूँ ये वाले वॉचेस को कि आप ये वाले वॉचेस को परचेस कर सकते हो। आपको यहाँ से कोई भी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट दोस्तों, सारे वॉचेस में लगभग जो है फ्लैश लाइट को है जो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दोस्तों इस वाले वॉचेस में, इस वाले वॉच का अगर मैं बताऊँ फास्ट राइट कंपनी का, इनका एक बात काफ़ी अच्छा लगता है जो कि फर्स्ट चीज़ मुझे लगता है बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिला गया है, दिया गया है। और डिस्प्ले दोस्तों सेकंड प्रायोरिटी है। और दोस्तों यहाँ पे फ्लैश लाइट को अगर मैं बात करूँ, तो फिर यहाँ पे फ्लैश लाइट जो है काफ़ी अच्छा वॉचेस है, सॉरी काफ़ी अच्छा फीचर है यहाँ पे, जो कि आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे लाइटिंग प्रोवाइड करेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसे परचेस करते हो तो फिर एक बार से डार्क एरिया में ज़रूर से टेस्ट करना, काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जब आप यहाँ पे दोस्तों सेटिंग पे जाते हो, तो सेटिंग में यहाँ पे वैसे नॉर्मल जो है बेसिक सा चीज़ें दिखाई देने को मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब आप सेटिंग के इस वाले वॉचेस के सेटिंग पे जाते हो, तो फिर आप यहाँ से देख सकते हो स्क्रीन टाइम, मेन्यू और वाइब्रेशन इंटेंसिटी। ठीक है दोस्तों, फ़ोन सेटिंग दोस्तों, यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग दोस्तों, फीचर्स तो देखने को मिलते हैं दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ फीचर देखने को मिलते हैं इस वाले वॉचेस में। सो यहाँ पे मैं लास्ट कंक्लूजन यही बताना चाहता हूँ, अगर आप दोस्तों बजट को एक्सपांस कर सकते हो, यहाँ पे 2500-3000 इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो फिर मैं सजेस्ट करता हूँ आप इन वाले वॉचेस के तरफ जाओ। अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है और बहुत ही मुश्किल हो रहा है लेकिन स्मार्ट वॉच ही चाहिए, तो फिर आप इसके तरफ देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज दोस्तों मैं जो है इसे ही प्रीफर करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आप दो तीन या फिर दो ढाई साल तक अच्छे से यहाँ पे इन वाले वॉचेस को यूज़ कर सकते हो। और जो कि मैं जो इन वॉचेस को ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं स्मार्ट वॉच ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन सिर्फ रिव्यू बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए जो है दोस्तों थोड़ा बहुत यूज़ कर लेता हूँ कभी कभार। ठीक है, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।